डिपार्टमेंट वालों सुन लो, हाई पड़ जाएगी आपको, आपके बच्चों को हाई पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं कितने बच्चे लाइन में, कितने इमरजेंसी में लाइन में, समझ जाओ और खुदा का खौफ खाओ कम से कम। जो खुद एसी में बैठे हो, खुद एसी में बैठे हुए यार, हमसे नहीं यतीमू गरीबों का खौफ नहीं खाते, कम से कम खुदा का खौफ खाओ। तो क्या है, इनकी हालत इतनी खराब थी कि पूछो मत आप जी। और रात का 12 बजे का जो पेशेंट आया वो उसका आदमी यहाँ खड़ा है सुबह से जी, पर्ची के लिए जी, उसका चेहरा देख के उसको 3 बार पीछे किया गया जी। अगर आपको पूछना तो वो लाइन में जितने आदमी खड़े पूछो उनको जी, ये हुआ या नहीं हुआ वाक्य कि पेशेंट तो रात से 12 बजे से लेके अभी तक उसको चाय पानी नहीं है। क्यों? डॉक्टर ने बोला जब तक इसका चेकअप नहीं होगा, टेस्ट नहीं होंगे, तब तक इसको कुछ देना नहीं है। आप बताओ कि इसका क्या होना। कुछ हम कोई रजौरी में आज नए नहीं है, हमारे तो बचपन यही, हमारा यही पैदा हुए हैं। ये नहीं है कि हम मगर या बैरमगला से आए, चंदीमढ़ से आए या वहाँ रहते हैं। यहाँ से डिपार्टमेंट वाले आते हैं, शक्ल देखते हैं और अपना पेशेंट चेक करवा लेते हैं, तो जो सोर्स वाले हैं वो चेक कब करवा के घर चले गए। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सभी गरीब और यतीम लोग खड़े हैं। वो बदमाशी कर रहा, सुन नहीं रहा। मैंने 900 रुपए का बाइक से अल्ट्रासाउंड कटवा के लाया, वो अल्ट्रासाउंड फेल हो गया है। अब बोल रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड आप हॉस्पिटल कर लो, तो लाइन में सुबह के खड़े, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, पेशेंट रात का इमरजेंसी में है, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? जो अंदर जीआर काट रहा है उसको कैमरा लगाकर उससे पूछो कि ये क्या बदमाशी है। नहीं, आपने बाहर कम से कम 100-200-300 बंदा डिपार्टमेंट का शक्ल दिखा के अल्ट्रासाउंड जीआर वगैरह जो उसके होते हैं टेस्ट वगैरह वो करके चला गया। सिर्फ यतीम गरीब लोगों का कोई नहीं सुन रहा। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वालों सुन लो, हाई पड़ जाएगी आपको, आपके बच्चों को हाई पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं कितने बच्चे लाइन में, कितने इमरजेंसी में लाइन में, समझ जाओ और खुदा का खौफ खाओ कम से कम। जो खुद एसी में बैठे हो, खुद एसी में बैठे हुए यार, हमसे नहीं यतीमू गरीबों का खौफ नहीं खाते, कम से कम खुदा का खौफ खाओ। तो क्या है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा आपको। गरीब लोग, कोई कुंड से आया है, कोई सुरमकोट से आया है, अभी कोई सिटी का भी है, लेकिन सुबह से लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ आए हुए 3 घंटे से ऊपर हो गया, यहाँ से लाइन काम ही नहीं हो रही है। और लाइन का आदमी को निकलते दिख नहीं रहा मेरे को, कि यहाँ से कोई पर्ची लेके वहाँ से निकल रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर आप कहाँ से हैं? बथुनी से सर। बथुनी। अब यहाँ पे कितनी देर हो गई खड़े? 3 घंटे हो गए सर। 3 घंटे खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। 3 घंटे हो गए सर ऊपर खड़े। तो आपने किसी की पर्ची लेने थे? पर्ची सर ये मेरे को पेट को तकलीफ है। हाँ उसकी। अच्छा, डॉक्टर को चेक करवाना। डॉक्टर को चेक करवाना है। सर मैं मेंडर से आया हूँ 10 बजे का यहाँ जी। पर्ची काटने के लिए बहुत दिक्कत है, ये कितना प्रॉब्लम हो रही है आपके सामने, कितनी लाइनें लग रही हैं, कभी जी आ रही नहीं काट रहे हैं, अंदर आदमी सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे सर। मेरी लड़की जो है अभी इमरजेंसी में एडमिट है सर। कौन से आया हूँ मैं? मेरा पेशेंट वो बैठा हुआ है जी। तो कोई देख देख नहीं है, कोई पूछ पाल नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। परेशानी बहुत है, गर्मी बहुत है। एक आदमी बाहर आ रहा है सर, मैं कोर्ट चरवार से आया हूँ। अंजल बच्ची है मेरी, खड़ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। कल का इधर घूम रहा हूँ मैं। अच्छा, आप कल के इधर हैं? कल के इधर आऊँ मैं, घूम रहा हूँ, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, बच्ची का भी मेरा कोई इधर लैंड में लगा हूँ, कोई नंबर बात कोई गाल नहीं, कोई बात। अंजल बच्ची मैं दिखा सकता हूँ, आप खड़ नहीं सकती बिल्कुल, 12 साल की बच्ची। जरूरी छु आफ्ताबस न इंतजार करुन, आराम हराम करित बेजबानी हुन सहार बनुन। जरूरी छु कोलन हिज वत बदलवित तकदीर बदलावुन, ट्रैक्टर पनिन शान बनावन, ते मेचे पलव पनिन पहचान बनावन। जरूरी छु बड़ी ख्वाब वुछिन, तो ख्वाब हकीकत बनावन, तिकाजे जिंदगी मज ब्रोह ब्रोह पकुन छु हद रोस जरूरी। बायोस्टैटिक बायोजाइम बड़ुन छु जरूरी।